हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइलेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सहायता योजना, नए ऑटो टैक्सी चालक जितने भी हैं उनके लिए दो लेटेस्ट अपडेट है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, जितने भी नए ऑटो टैक्सी चालक है उन्हें पैसे 5,000 रुपए कब मिलने वाले है। नंबर टू, यदि आप लोगों को आवेदन करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद आप किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाकर फॉर्म आवेदन कैसे करवा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन लोगों को 2020 में ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपए मिले थे, उन ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपए उनके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे ऑटो टैक्सी चालक था जिन्हें 2020 में यानी कि पिछले साल उनके अकाउंट पे पैसे किसी कारणवश क्रेडिट नहीं किया गया था, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आवेदन नहीं किया था। तो यहाँ पे नंबर वन जो अपडेट आया है, अभी तक हमें कुल 54,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 27,402 बैच धारक, 78,016 परमिट धारक, 18,798 ग्रीवेंस है। 27 मई से 4 जून के बीच में आवेदन की जांच का कार्य परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही आवेदकों को आधार कार्ड लिंक खाते में वित्तीय सहायता मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 54,016 ऐसे नए ऑटो टैक्सी चालक है जिन्होंने 27 मई से 4 मई के बीच में आवेदन किया है। तो उनके अकाउंट में उनके आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक होगा उसके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नंबर टू अपडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, चालक भाइयों ने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस योजना के डोर स्पेस डिलीवरी में शामिल करने के निर्णय लिया गया है। 1076 पर कॉल कर मोबाइल सहायक को घर बुलाकर 50 रुपये शुल्क देकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। यदि आप लोगों को दिल्ली सहायता योजना का आवेदन करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, 1076 नंबर पर कॉल कर किसी भी व्यक्ति को बुलाकर आप लोग आवेदन करवा सकते हैं। उसे 50 रुपये सर्विस चार्ज देना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद किसी व्यक्ति को आप बुला सकते हैं। दिल्ली सहायता योजना की तरफ से दो लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।